फिर आप नीचे वाली लाइन पर आएंगे और जहाँ आपने आर लिखा है उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे, जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है। आ पूरा एक ही लाइन में लिखना है आप लोगों को, लेकिन बॉक्स में एक वर्ड मत लिखिएगा, ठीक है क्लास। आ थोड़ा सा स्पेस, देन एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर आर स्क्वायर, स्क्वायर में नीचे वाला जो स्क्वायर आपने लिखा है उसमें एस स्मॉल बनेगा, कैपिटल नहीं बनेगा। आर स्क्वायर थोड़ा सा स्पेस देके लिखेंगे, आई एस एस आर स्क्वायर एस, फिर गैप देंगे लिखेंगे एफ एल ए टी फ्लैट, देन स्पेस और लिखेंगे शेप एस एच ए पी ई शेप, फिर थोड़ा सा गैप देंगे और लिखेंगे विद डब्ल्यू आई टी एच विद, विद के बाद अगर आप लोग के पास जगह बचे स्पेस देने के बाद तो आप फोर जो लिखा हुआ है वो ऊपर ही लिखेंगे, और अगर जगह नहीं बचे तो जिस तरह मैंने नीचे लिखा है इसी तरीके से आप लोग भी नीचे लिखेंगे। विद एफ ओ यू आर फोर, फिर थोड़ा सा गैप देंगे और लिखेंगे एस आई डी ई एस साइड, गैप देने के बाद लिखेंगे डैट टी एच ए टी डैट, फिर स्पेस देंगे ए ए डबल एल ऑल, फिर स्पेस और लिखेंगे ए आर ई आर टी एच ड एस ए एम ई सेम, सेम के बाद अगर जगह बचे तो लेंथ ऊपर लिखेगा, नहीं तो वैसे ही जैसे नीचे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। सेम लेंथ एल ई एन जी टी एच लेंथ, फिर स्पेस देके लिखेंगे ए एन डी एन एफ ओ यू आर फोर कॉर्नर्स सी ओ आर एल ई आर एस कॉर्नर्स टी एच ए टी डैट ए आर ई आर ए डबल एल ऑल देन डब्ल्यू आर आर आई जी एच टी राइट, फिर स्पेस ए एन जी एल ई एंगल और ब्रैकेट बना के 90 लिखिए, ऊपर छोटा सा जीरो बनाएंगे जैसा मेरा बना हुआ है, बिल्कुल छोटा इसी के साथ बड़ा सा मत बना दीजिएगा, 90 डिग्री। पूरी डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद जिस तरह मैंने नीचे स्क्वायर की पिक्चर बनाई ली है आप लोगों को भी ड्रॉ करनी है। पहले डेफिनेशन का सारा काम कर चुके हैं, आप लोगों को तरीका सारा पता है कि क्या काम किस तरह लिखना है, समझ लेते हैं इसको। स्क्वायर आई स्क्वायर इज अ फ्लैट शेप, स्क्वायर जो है वो एक फ्लैट शेप है विद फोर साइड्स, जिसके फोर साइड होते हैं एक दो तीन चार फोर साइड हैं इसके, दैट ऑल आर द सेम लेंथ, इन चारों साइड की लेंथ बराबर होती है, एंड फोर कॉर्नर्स होते हैं इसके, वन टू थ्री फोर, फोर कॉर्नर्स होते हैं जो कि 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है क्लास। यही काम एज इट इज आपको होमवर्क में भी करना है। नेक्स्ट पेज पे टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 4 फॉर योर होमवर्क। पेज नंबर 4, क्वेश्चनेट्स ड्रॉ स्पॉट्स ऑन द ग्लव्स टू मेक द मैचिंग पेयर्स, मतलब यहाँ एक पेयर पे आपको 2 स्पॉट्स बने हुए हैं और दूसरा वाला जो ग्लव बना हुआ है वो ब्लैंक है, तो उसको आपको इस पर 2 स्पॉट डाल देना है। इसी तरीके से सारा काम होगा, जितना बराबर वाले में जितने डॉट्स डले हुए हैं उसके बराबर में उतने ही डॉट्स डाल देने हैं ताकि आपका पेयर कंप्लीट हो जाए, ठीक है क्लास। ये होमवर्क का आपका पेज है पेज नंबर 4। नाउ ओपन पेज नंबर 132। पेज नंबर 132, द क्वेश्चन इज राइट द मिसिंग नंबर्स, यहाँ आपको नंबर्स लिखे हुए और बॉक्सेस बने हुए हैं ब्लैंक जिसमें आपको मिसिंग नंबर्स लिखने हैं, 14, 15, देन 16, 17, 18, 19, जितना 4 के बाद 5, 6, आपको काउंटिंग कंप्लीट करनी है, 0 के बाद 1, 2, 3, 23 के बाद 24, 26, ठीक है। ये आपका होमवर्क का पेज है। इसके बाद आज का हमारा ओरल है। ऑफ स्क्वायर फ्रॉम कॉपी।
कॉपी में जो डेफिनेशन अभी हमने राइट की है वो ये आपको याद भी करनी है। आई स्क्वायर इज अ फ्लैट शेप विद फोर